بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم मेरे अज़ीज़ भाई और दोस्तों और माओ बहनों, तो ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो मरहला था जिस पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी इब्तला और आजमाइश से बाहर निकले और उन पर जो आजमाइश का और परेशानियों का दौर ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने भी बादशाह के सामने कह दिया था, अलान हस हसल हक अनरावतहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन अस्सादिकीन ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलगैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। तो यहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बीवी ने भी ये कहा और उनको बिल्कुल इस गुनाह से बरी कर दिया गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का तवाज़ु देखिए और उनकी इनकिसारी देखिए और उनकी आजिज़ी देखिए, यानी कितनी आजिज़ी और कितनी इनकिसारी और कितना अल्लाह के सामने अपने को आजिज़ कर रहे हैं कि एक तो खुद नबी है, बड़ी शराफत है उनके लिए, एक तो नबी है और उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी और उनके पर दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी। तो एक तो खुद नबी है, यानी इतने बड़े नबी और जिनकी नस्ल में नबूवत चले आ रही है, एक तो बात ये। दूसरी बात, उनको कई लोगों ने इस गुनाह से बरी किया। शुरू में उस बच्चे ने जो गहवारे में था उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरी किया गुनाह से। फिर उसके बाद अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उन औरतों के सामने कहा कि फस्ता आसम, यूसुफ ने अपने आप को बचाया। इसके बाद उन औरतों ने बादशाह के सामने, अज़ीज़ मिस्र नहीं बल्कि बादशाह के सामने कहा कि मा आलिम ना अलैहि मिन सू, हमें यूसुफ में कोई बुराई महसूस नहीं हो रही है, हमने उसमें कोई बुराई पाई नहीं है। अच्छा, इसके बाद ज़ुलेखा ने खुद बादशाह के सामने फिर से गवाही दी, इन्नहु लमिन अस्सादिकीन, यूसुफ सच्चे हैं और मैं झूठी हूं। तो इतनी बरात, इतनी लोगों की बरात और इतनी लोगों ने सफाई दी, लेकिन उसके बावजूद ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमाल तवाज़ु है जो ये कह रहे हैं कि वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने आप को कभी भी बरी नहीं करता। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को कभी बरी नहीं करता। इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, हकीकत यह है कि जो इंसान अल्लाह के यहाँ जितना बुलंद मर्तबे का होता है इतना ही उसके अंदर तवाज़ु और इंकिसारी रहती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये चीज़ सिर्फ आज जुबानों पर आ गई है। आज तवाज़ु और इंकिसारी सिर्फ जुबानों पर आ गई कि मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, अरे भाई मेरी नमाज़ें ही क्या है, अरे भाई मेरे हज ही क्या है, भाई नमाज में सही से पढ़ने नहीं आता, यानी ये सिर्फ जुबानों पर रह गई है। अगर ये कोई ये कह दे, अगर कहने वाले कोई और कह दे कि तुम बहुत गुनहगार हो, तुम बहुत खताकार हो,
तुम्हारी नमाज ठीक नहीं है, तो देखना कैसा गुस्से में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ जुबान पर हमारा इस्तवाज हुआ, और आज हमारे दिलों में अभी भी किब्र है। इसलिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। किब्र की हकीकत क्या है? एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह इन रजुल यहब अन यकून थौबुहु हसना व नअलुहु हसना, तो क्या ये किब्र है? एक आदमी ये पसंद करता है कि उसके कपड़े खूबसूरत हों और उसके जूते खूबसूरत हों, तो क्या ये किब्र है? तो फरमाया कि नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। फिर आगे फरमाया अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, कि किब्र की दो अलामत हैं, एक तो बतरुल हक, हक का इनकार करना, यानी क्या कि अगर तुम्हारे सामने कोई हक बात बयान करे, तुम्हारी गलती पर कोई मुतनब्बेह करे, तुम्हारे सामने कोई हक बात बयान करे और फिर तुम उसका इनकार कर दो, तुम उसका इनकार कर दो ये कहते हुए कि भाई चलो नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम तावील करो, तुम इनकार कर दो उसका, तो ये बतरुल हक हुआ, ये हक का इनकार, ये हक का इनकार करना हुआ। तो फरमाया कि ये हक का इनकार करना और तुम्हारी कोई गलती को मुतनब्बे करे और उसकी तावील करना, तो कहा कि ये किब्र है। और किब्र की दूसरी अलामत कि गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना, लोगों को कमतर समझना, लोगों को हकीर समझना, लोगों को कमतर समझना, ये दूसरी अलामत है कि बतरुल हक यानी गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना, अपने आप को ऊंचा समझना। और किब्र इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है, अल्लाह ताला हमेशा, एक मुस्तकिल गुनाह है। इंसान नमाज भी पढ़ रहा है, इंसान रोजे भी रख रहा है और इंसान मुख्तलिफ किस्म की इबादत भी कर रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसे नाराजी, क्यों? क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाते इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह ताला किब्र और तकब्बुर रखने वालों को पसंद नहीं फरमाते। जब आप किसी को ये कहे कि मैं आपको पसंद नहीं करता, तो मतलब क्या हुआ? मैं तुमसे बुक्स रखता हूँ, और बुक्स किसी से कब कौन रखता है? जब उसे नाराज होता है। तो गोया कि अल्लाह ताला हमेशा मुतकब्बिरीन से नाराज रहते हैं। इतना सख्त गुनाह है। इसलिए हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है उम्मुल अमराज, बीमारियों की माँ है ये किब्र, ये बीमारियों की माँ है। ये ऐसी बुरी और इतनी बुरी बीमारी है कि सहाबा इकराम जैसी मुकद्दस जमात, उनके दिल में भी किब्र आ गया था एक मौके पर, तो अल्लाह ने उनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके दरमियान में रहते हुए उनको शिकस्त दे दी और उनको जंग में उनको हर हार का सामना करना पड़ा। ये कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ, किब्र कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही संगीन गुनाह है। आज हमने जिना को बुरा गुनाह समझा, आज हमने शराब पीने को गुनाह समझा, आज हमने जुआ खेलने को बुरा समझा, आज हमने मुख्तलिफ किस्मों को गुनाहों को बुरा समझा, लेकिन किब्र आज हमारे दिल में आज हमें पता ही नहीं। इसलिए बहुत अपनी निगरानी करने की जरूरत है, बहुत निगरानी करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए इस बदतरीन मरज से। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के वमा उबर्रियु नफ्सी, ये सब बरातों के बाद, इतनी गवाहियों के बाद, इतने एजाज और इकराम के बाद, फिर भी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कभी बरी नहीं कह सकता। और यही तवाजू और यही इनकिसारी थी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को और ऊंचा कर दिया और बादशाहों के निगाहों में और ऊंचा कर दिया। इसलिए कि हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, कि सदका से कभी माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्वन इल्ला इज़्ज़न, माफ करने की वजह से अल्लाह ताला एक आदमी की इज्जत को बढ़ाते हैं। और नंबर फरमाया नंबर तीन पर वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जब कोई बंदा अल्लाह के सामने तवाजु करता है और इंकिसारी करता है और अपने दिलों में से किब्र निकालता है, तो अल्लाह उसको बुलंद फरमाते हैं। तो यहां जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई, इसको बहुत ही गौर से सुनना, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने सिर्फ उनको बुलाया,
सिर्फ बादशाह ने उनको बुलाया, खाली मुलाकात करने के लिए, जान पहचान के लिए खाली बुलाया। इसलिए अल्लाह ताला नकल फरमाते बादशाह की बात के इतूनी भी ही, यूसुफ को मेरे पास लेकर आओ, बस इतना बुलाया सर। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की इनकिसारी देखी, उनका तवाजु देखा, उनकी पाकदामानी देखी, उनकी अमानत देखी, तो फौरन बादशाह ने कहा इतूनी भी अस्तखलिस हुले नफसी, यूसुफ के मेरे पास लाओ, मैं उनको खास अपने मकाम के लिए रखूंगा। तो ये तवाजु और इनकिसारी मेरी माओ बहनों और भाइयों और दोस्तों, ये ऐसी चीज है कि इंसान की इज्जतों को बढ़ाती है और किब्र इंसान की इज्जत को घटा देती है। अपनी बड़ाई दिल में रखना इंसान की इज्जत को घटा देती है। शैतान के अंदर किब्र था, जन्नत से फेंक दिया गया, थोड़ा फेंक दिया गया जन्नत। ये किब्र ही नहीं तो, ये किब्र ही नहीं तो, ये बड़ाई ही नहीं तो, दिल की बड़ाई ही नहीं तो शैतान का सत्यानाश किया, वरना तो ये फरिश्तों में से था, शैतान मुकर्रबीन में से था, बहुत बड़ा आलिम था। लेकिन इसी किब्र ने और इसी बड़ाई ने शैतान को अल्लाह के दरबार से ढुटकार दिया। इसलिए फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत, चूंकि शैतान के अंदर भी किब्र था तो शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रा मिन किब्र, जन्नत में वो शख्स हरगिज दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक जर्रा बराबर भी किब्र हो, एक जर्रा बराबर भी किब्र हो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा जालनी फी आईनी सगीरा व फी आयुन नास कबीरा। इस दुआ को एहतमाम के साथ मांगे कि अल्लाह मेरे मुझे अपनी आंखों में कमतर कर, मुझे अपनी आंखों में छोटा बना, व फी आयुन नास कबीरा, और लोगों की आंखों में मुझे बड़ा बना, अपनी आंखों में और अपनी जात के लिए मैं बुरा रहूं। इसलिए हकीम उल उम्मत हजरत अकदसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब बंदा अपनी नजर में बुरा होता है तो अल्लाह की नजर में भला होता है, और जब इंसान अपनी नजर में भला होता है तो अल्लाह की नजर में बुरा हो जाता है। इसलिए दुआ सिखाई गई है, ये अल्लाह मुझे अपनी नजरों में बुरा बना दीजिए, ये अल्लाह मुझे अपनी नजरों में कमतर बना दीजिए। इसलिए एक तो ये दुआ करना, और दूसरा इसका इलाज ये बताया जाता है कि इंसान अपनी उयूब को सोचे। देखो बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलव अल्का मआज़ीरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जो है ना वो अपनी जात को खूब जानता है, अपने उयूब को खूब जानता है, अगरचे लोगों के सामने उज्र पेश करते रहता है कि नहीं इसका ये उज्र है उसका ये उज्र है, लेकिन इंसान अपने आप को खूब जानता है, ये पक्की बात है। तो इंसान जब अपनी अपनी अंदर की दुनिया में जाएगा और अपने अंदर को झांक कर देखेगा तो बहुत अयूब नजर आएंगे उसको। बस अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह मेरे अयूब मुझ पर खोल दे, और अपने अयूब सोचते रहना है। इसलिए एक शायर ने क्या ही बेहतरीन बात फरमाई है, जब न थी अपनी ऐबों की खबर, जब न थी अपनी ऐबों की खबर, देखते रहे दूसरों के ऐबों हुनर। यानी जब अपनी ऐबों की खबर नहीं रहती है तो दूसरों के ऐब हुनर देखते रहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। तो जब न थी अपनी ऐबों की खबर, देखते रहे दूसरों की ऐबों हुनर, पड़ी अपनी जब पड़ी अपनी ऐबों पर नजर, जब अपनी ऐबों अपनी ऐबों पर नजर पड़ी तो नजरों में कोई बुरा न रहा। जब न थी अपने ऐबों की खबर, देखते रहे दूसरों के ऐबों हुनर, जब पड़ी अपनी ऐबों पर नजर तो नजरों में कोई बुरा न रहा। तो हकीकत यह है कि आज हमारे यहाँ हमारे आंखों के सामने हर एक अयूब नजर आता है, किसी की भलाई नजर नहीं आती है। क्यों? इसलिए कि अपने अयूब पर हमारी निगाह नहीं है। इसलिए अपने अयूब को बहुत जरूरी है, अल्लाह से मांगना चाहिए और अपने अयूब का इंतजार करना चाहिए कि मुझ में ये ऐब है, मुझ में ये ऐब है। हर इंसान के अंदर ऐब होता है, इंसान बना ही है, इंसान ऐब का पुतला है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब और कोई ना कोई कमी रहती है। इसलिए अपने अयूब पर नजर रखें तो इंशाअल्लाह इससे तवाजु पैदा होगा। इन दुआओं का एहतमाम करें। तो यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वमा उबर्रियु नफ्सी, अल्लाहु अकबर। फिर आगे फरमाया इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यकीनन नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, यकीनन नफ्स तो ऐसा है कि बुराई ही का हुक्म देते हैं। इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय उसके जिस पर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी हो जाए।
यानी कि नफ्स ऐसी चीज है इंसान के अंदर कि वो तो हमेशा बुराई का हुक्म देती रहती है। यहां मुफस्सरीन ने नफ्स की तीन किस्में बयान की है, एक नफ्स अम्मारा जिसको या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नंबर दो पर नफ्स लवामा जो इंसान को मलामत करते रहता है उसकी बुराइयों पर, और नंबर तीन पर नफ्स मुतमइन्ना जो बिल्कुल गुनाहों से पाक हो और इत्मीनान हो उस नफ्स में। अब ये तीन किस्म के नफ्स हैं अल्लाह ने इंसान के अंदर पैदा किए। नफ्स समझे इंसान के दो बड़े दुश्मन हैं जो अल्लाह के हुक्म से इंसान को हटा देने वाले हैं, एक तो शैतान है और दूसरा नफ्स है। नफ्स इतना बड़ा दुश्मन है कि रमजान मुबारक के महीने में ये शैतान तो कैद हो जाता है लेकिन इंसान को जो बुराइयां करवाता है वो नफ्स करवाता है, इसलिए इसकी बहुत ही निगहदाश्त और बहुत ही समझने की जरूरत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नफ्स की असल फितरत तो ये है कि नफ्स हमेशा बुराई का हुक्म देगा, हमेशा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा साहबे कराम से कहा कि तुम एक साथी के बारे में बताओ कि तुम उसको जितना तुम खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, अच्छा रखोगे, राहत तो आराम में रखोगे और जितना तुम उसका ख्याल करोगे इतना ही तुमको मुसीबत में और आफतों में डालेगा। तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह वो साथी तो बहुत बुरा है कि हम उसके साथ इतना करें और वो हमारे साथ इतना बुराई का मामला करे। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है ये वो साथी यही नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है, यानी तुम्हारे अंदर वो साथी है, ये नफ्स यही है कि नफ्स को जितना इंसान पालेगा और जितना इंसान अपने नफ्स को और खाना खिलाना पानी और अपने पालेगा नफ्स इतना फूलता जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है नफ्स की निगरानी करना। ये जो मैं यहां एक बात अर्ज कर दूं कि रमजान मुबारक के महीने में जो भूखा रखा जाता है ना, जो भूखा रखा जाता है इसका मकसद ही यही है कि नफ्स को कुचलना, नफ्स को नफ्स की ताकत को तोड़ना, रोजों की गर्मी के जरिए से नफ्स की या नफ्स की शरारतों को खत्म करना, ये इसका मकसद है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि आज हम यानी सहरी में इतना खा लेते हैं कि दिन और फिर ऐसा सो जाते हैं कि दिन भर भूख का एहसास ही नहीं लगता, भूख और प्यास का एहसास ही नहीं लगता। फिर बाद में जब इफ्तारी का मौका आता है तो इतना खा लेते हैं कि जो कुछ कमी रह गई थी दिन की वो उसको पूरा कर दिया हमने। अब यहां नफ्स को तकलीफ ही नहीं पहुंचती है, तो जब तक इस नफ्स को और इस जी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी जब तक ये बहुत सरकशी में आएगा और फिर यही नफ्स इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यानी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिर्फ आखिरत का नुकसान नहीं बल्कि दुनिया का भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए इसकी बहुत एहतियात करने की जरूरत है। फिर एक तो नफ्स अम्मारा जो बुराई का हुक्म देते रहता है, लेकिन जब इंसान नफ्स पर मुजाहदे करते रहता है और अपनी नफ्स की निगहबानी करते रहता है तो अल्लाह उसको थोड़ी तरक्की देते हैं और उसका नफ्स नफ्स अम्मारा हो जाता है। नफ्स अम्मारा किसे कहते हैं कि जब इंसान कोई बुराई करता है तो फौरन उसके दिल में खटक होती है, फौरन उसका दिल उसको मलामत करने लगता है, तो समझो कि नफ्से लवामा है इसका। जब बुराई करने के बाद दिल में खटक ना हो तो समझो कि तुम्हारा नफ्स नफ्से अम्मारा है, और जब बुराई करने के बाद दिल में खटक हो और अंदर का जो जी है वो तुम्हें मलामत करे और तुम्हें अफसोस हो, तुम्हें गम हो, तो समझो कि ये नफ्से लवामा है, तुम्हें मलामत कर रहा है बुराई। तो ये नफ्से लवामा जब इंसान का होता है ना उस पर इंसान मेहनत करते 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 जाता है तो अल्लाह ताला मौत के वक्त में उसको ऐसा इत्मीनान देते हैं कि अल्लाह की तरफ से पुकार आती है कि अब तेरा नफ्से लवामा नफ्से मुतमइन्ना हो गया, और या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राधियतन मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।
कि अब तू भी राजी, तू अपने रब से राजी, तेरा रब तेरे से राजी, अब तू मेरे जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये नफ्स बहुत बुरी चीज है, इंतहाई। एक बुजुर्ग थे तो उनका शागिर्द उनको कहता था कि हजरत फुलाने ने आज आपके खिलाफ ऐसी बात कही, ऐसी बात कही, फुलाप के खिलाफ इसी साजिशें कर रहा है। तो कहा कि भाई अभी तू ठहर जा, बाद में देखते हैं, मेरा एक दुश्मन है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उसे निमट लूँ, फिर देखेंगे दूसरे दुश्मनों को। अभी हमेशा ऐसा होता था। जब ऐसे कई दिन गुजर गए तो शागिर्द ने कहा कि हजरत, मैं जब भी आपको ये बात करता हूँ कि आपका फुला दुश्मन है, आप कहते हैं कि मेरा एक दुश्मन है, उससे मुझे अपने आप को निमटने दो, तो वो कौन सा दुश्मन है? अब उस बुजुर्ग ने कहा, वो दुश्मन मेरा नफ्स है। कहा कि मेरा नफ्स सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, अब इससे मुझे अपने आप को निमटने दो, जब मैं इससे निमट जाऊंगा तो फिर मैं देखूंगा मेरे दूसरे दुश्मनों को। हकीकत ये है कि नफ्स इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है। इसलिए हजरत यूसुफ, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स से बचने की दुआएं बताई है। इस दुआओं को याद कर लेना चाहिए। हमारे बहुत से हजरात फोन करके कहते हैं कि भाई ये आपने जो दुआ बताई है कहाँ है ये, क्या? देखो, अगर किसी को अरबी दुआ याद ना हो, कोशिश करें अरबी दुआ याद करने की। अगर किसी को अरबी दुआ याद ना हो तो फिर उर्दू में मांग ले, जब तक कि अरबी याद ना हो। अल्लाह का तुम्हारा जुबान मालूम है तो उर्दू में मांग ले। तो कई दुआएं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम से नफ्स के शर से बचने की दुआएं मांगते थे। एक दुआ है, اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها। اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ نصیب فرما، وزکیہا اور اس کو مزکی فرما، اس کو صاف فرما میرے نفس کو، انت خیر من زکا، اب سب سے بہترین ہے جو اس نفس کو صاف کر سکتے ہیں، انت ولیوہا ومولاہا۔ تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ نصیب فرما، اکدم سیدھی دعا، اللہم آتی نفسی تقویٰ، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ نصیب فرما، وزکیہا انت خیر من زکا، اس کا تزکیہ فرما، اس کا تصفیہ فرما، اس کو برائیوں سے پاک فرما۔ اصل میں یہ حدیث کا ایک مضمون، قرآن کا ایک مضمون ہے۔ اس حدیث میں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کی قسم کھائی ہے، 10 چیزوں کی۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، ونفسی وما سواها، اور خود نفس کی قسم کھائی۔ تو یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاها، وہ شخص کامیاب ہو گیا، صرف آخرت میں نہیں، فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو۔ قد افلح من زکاها، وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور وہ شخص دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برائیوں میں ڈال دیا، ناکامیاب ہو گیا۔ تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے کہ اللہ میرے نفس کو پاک فرما اور میرے نفس کو برائیوں سے بچا دے۔ ایک دعا یہ۔ دوسری دعا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ ہم اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اور تیسری دعا، اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی، اے اللہ میری ہدایت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا لیجئے۔ اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے اپنی ہدایت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا لیجئے۔ اور تیسری دعا، چوتھی دعا، اللہم اجعل فی نفسی نورا، اے اللہ میرے نفس میں نور پیدا فرما دیجئے، اللہم اجعل فی نفسی نورا، اے اللہ میرے نفس میں نور پیدا فرما دیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو یقین جانیے اس کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب آئے گا، عجیب۔ اس لیے نفس بہت ہی بری چیز ہے۔
हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जन्नत दो कदम है। क्या फरमाया? जन्नत दो कदम है। ये सुनकर लोग बड़े हैरान होते कि हजरत क्या मतलब जन्नत दो कदम है? तो फरमाया कि हाँ, तुम अपना पहला कदम अपने नफ्स पर रख लो, तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में पहुंच जाएगा। पहला कदम इंसान अपने नफ्स पर रख ले, दूसरा कदम जन्नत में पहुंच जाएगा। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े ही ताकीद के साथ में फरमाया कि नफ्स तो बुराई ही का हुक्म देने वाला है, इल्ला मा रहिमा रब्बी, मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमाल तवाज़ु देखिए कि इतना सारा कुछ होने के बाद और बरात के बाद और गवाहियों के बाद यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं जो गुनाहों से बचा हूँ और मैं जो इस परेशानी से बचा हूँ और इस गंदगी से बचा हूँ, यह मेरे रब का मुझ पर रहम था कि मेरे रब ने मुझे बचाया। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बड़ा ही माफ करने वाला है और बड़ा ही रहम दिल है, बड़ा ही मेहरबान है। तो अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो आज के सबक में हमें ये समझ में आता है कि हमें एक तो तवाज़ु इख्तियार करना चाहिए, किब्र हमारे दिलों में नहीं होना चाहिए, और दूसरा अपने नफ्स की बहुत ही निगहदाश्त और अपने नफ्स को बुराइयों से और अपने नफ्स को बहुत ही कुचलना चाहिए और नफ्स की बहुत ही निगरानी करना चाहिए कि नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ बहुत ही जल ले जाता है। खुसूसन ये रमज़ान का महीना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को तो कैद कर लिया है, लेकिन ये जो नफ्स हमेशा इंसान के पीछे लगा हुआ है, हमेशा इंसान के पीछे लगा हुआ है, अब इसको ख़त्म करने के लिए रोज़ों को बताया गया है कि इंसान सही आदाब के साथ में रोज़ों को रखे, इंसान सही आदाब के साथ में तरावी का अहतमाम करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि ये 30 दिन के रोज़ों की बरकत से अल्लाह ताला नफ्स के शर से भी इंसान को महफूज करेंगे, और अगर उसका नफ्स अम्मारा है तो उसके नफ्स को नफ्स लवामा कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको उसके अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करें, अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल हम्द कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व बियदिकल खैर कुल्लु व इलैक रुजउल अम्र कुल्लु या हय्यु या क़य्यूम या अरहमर राहिमीन या हमीदुल मजीद या फ़ालुल लिमा युरीद। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताया से दरगुजर फरमा, हमारे सैयाद को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह, नफ्स के शरूर फितन से हमारे हिफाजत फरमा, हमारे नफ्स को साफ़ फरमा, बुराइयों से दूर फरमा। ए हमारे प्यारे परवरदिगार, हमारे अंदर तबादु और इंकसारी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे अंदर तबादु और इंकसारी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा। ए अल्लाह, इस वबा को दूर फरमा। ए अल्लाह, हमें अच्छे अखलाक और अच्छे आदात नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी औलाद की तरबियत फरमा। ए अल्लाह, हकीकी मुरब्बी तू ही है, तेरी ही तरबियत ही हकीकी तरबियत है। ए अल्लाह, हमारी औलाद की तरबियत फरमा। ए अल्लाह, हम सबको फितने दज्जाल से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, फितने दज्जाल से बचने के लिए जो भी असबाब हो, या अल्लाह जो भी सलाहियत हो, या अल्लाह जो भी रूहानियत दरकार हो, या अल्लाह वो तमाम चीज़ें अपने फजल व करम से हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा, इतने रहमत में जा चुके हैं, ए अल्लाह उनकी मगफरत फरमा। हम हमारी तमाम दुआओं को महज अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।